हेलो गाइस, तो आज हमारी क्लास 3 है 3ds मैक्स की। और 3ds मैक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको पता है कि हम एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में 3ds मैक्स नहीं जाएंगे, बिकॉज़ वो पूरा प्रोसेस जो है वो एक तरीके से हम बोलेंगे फिल्म मेकिंग के लिए या गेमिंग के लिए अगर हम मैक्स कर रहे होते तो वो क्लासेस थोड़ी सी अलग होती, बट हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड कर रहे हैं। तो आज हम उसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि अब हमारा जो थर्ड सेशन रहेगा उस थर्ड सेशन में हम अपनी ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में पहले समझा था कि ज्योमेट्री किस तरीके से बनती है, फिर उसके बाद हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद फिर हमने शेप सीखी, और शेप्स के थ्रू हमने कुछ चीज़ें क्रिएट की थी। और लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो सीखा था लॉफ्ट, और मेरे हिसाब से कि जो आप लॉफ्टिंग कर रहे हैं, जो भी शेप्स बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपने एडवर्टाइजिंग के जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही स्टफ बनाइए, ना कि आप मोनूमेंट्स और बैड और इस तरीके से ज़्यादा फोकस करिए। अब हम चले जाएंगे कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो आपके प्रोडक्ट्स हों, और उन्हीं को क्रिएट करने के लिए इन कमांड्स का यूज़ करो। तो मतलब कुछ आपने मेरे को सब्जेक्ट्स भेजे हैं, जिन सब्जेक्ट्स को आज मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि आप उसको कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि जैसे अब हमारा फर्स्ट पार्ट है लोगो एनिमेशन। बिकॉज अगर हम एडवर्टाइजमेंट में जा रहे हैं और एडवर्टाइजिंग के लिए मैक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को कैरेक्टर डेवलप नहीं सीखना है, तो हम पॉली मॉडलिंग करेंगे, लेकिन पॉली मॉडलिंग से पहले हम जो शेप्स बनाई हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं उसी को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं वो चीज़ हम इसमें समझते हैं आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम शेप से, सपोज़ अब हम जो पार्ट डिज़ाइन करना है कि हमने यहाँ से शेप्स क्रिएट की थी, तो अभी हमारे को चाहिए कि हम कुछ टेक्स्ट बेस्ड इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो सपोज़ मैंने टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट में मैं यहाँ पे राइट साइड में देखें तो पैरामीटर्स में डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखा हुआ है मैक्स टेक्स्ट। तो अगर हम किसी किसी व्यू पोर्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा वो मैक्स टेक्स्ट लिखा हुआ एक व्यू पोर्ट पर आ गया। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वही मॉडिफायर में जाऊँगा, और मॉडिफायर में जाके इस टेक्स्ट को कोई भी कंपनी का नेम दे सकता हूँ। सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मेरी एक कंपनी है जो केबल क्रिएट करती है, और मैं उसको बोलता हूँ कि वो है वी आर केबल्स या वर केबल्स करके कंपनी। तो मैंने उसको एक कैपिटल में वी आर केबल में टाइप किया, तो ये मेरी एक कंपनी है और उसका नेम है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इस लोगो को, बिकॉज़ ये एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो है तो इजीली हमने टेक्स्ट टाइप किया, और हम टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का टेक्स्ट वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ से टेक्स्ट मतलब चूज़ कर सकते हैं कि जो आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल मेरे लिए सुटेबल है। अब इस इतना मेरे पास बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको एक टाइपोग्राफी फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हैं, कि अगर मैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता हूँ एडिटेबल स्प्लाइन में, और स्प्लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ से स्प्लाइन मोड ले लेता हूँ क्योंकि ये इतनी सारी स्प्लाइंस हैं, तो मैं इन सब स्प्लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने ये और ये दो स्प्लाइंस मैंने सेलेक्ट की, इसको स्केल किया। अब ये स्केल कर रहा हूँ तो देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका रीज़न क्या है, ये दो स्प्लाइंस है और उसका जो सेंटर पिवट है वो पता नहीं कहाँ है। तो जब भी आप शेप्स मल्टीपल शेप्स के साथ काम करते हैं या वर्टेक्स के साथ काम करते हैं लाइंस के अंदर, तो आपको अपना जो स्केल मोड है उसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो ये अभी यूज पिवट पॉइंट सेंटर है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे इंडिविजुअल बीच में कर देते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक सिलेक्शन का ऑटोमेटिकली सेंटर में हो, जिससे वो स्केल बिल्कुल प्रॉपर हो, वो इंडिविजुअली एक एक अपने अपने सेंटर पर नहीं होगा। तो हम इससे ज़्यादा अच्छा क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हमें सपोज़ ये जो टेक्स्ट है मतलब ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन वर्टेक्स को मुझे स्केल करना है, तो मैं स्केल देखो अब इजीली हो रहा है, अगर ये फर्स्ट पे ही होता तो स्केल नहीं हो सकता था, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा होता और वो टेंजेंट्स ही हो रहे होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पोजिशन पर जब भी आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स करनी है वर्टेक्स मतलब स्प्लाइन मोड में, तब आपको यही वाला मोड ऑन करना है। तो इसके बाद अगर मैं इसको पिक कर रहा हूँ, और इस पिक करने के बाद अपने इस सर्किल को, जैसे सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि आर मुझे यहाँ चाहिए, और थ्री प्रेस कर लेता हूँ स्प्लाइन पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक साथ स्प्लाइन पूरी काम करे, और मैं इजीली इसको जो भी मेरे को टाइपोग्राफी जिस तरीके की बनानी है मैं उस तरीके का अपना लोगो, अगर मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो देखो रोटेट कर सकता हूँ। आप इस तरीके से अपने फॉन्ट्स को स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये एक पर्टिकुलर इस पोजीशन पे चाहिए, और एल मुझे थोड़ा छोटा चाहिए, वो इसके ऊपर थोड़ा सा लेटा हुआ हो,
ई मुझे चाहिए कि इस तरीके से डिज़ाइन करना है, और ये मेरे पास एक फॉर्मेट तैयार हो गया मेरे टाइपोग्राफी का। तो मैंने सेम फॉन्ट को एक अपने स्टाइल में टाइप ऑन चेंज कर लिया। अब इतना होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा सा एक्सट्रूड या बेवल करना है, तो हम वही सेम कमांड मॉडिफाई लिस्ट में क्लिक किया, ex एक्सट्रूड। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास वो एक्सट्रूड कर रहा है, और एक्सट्रूड में देखें तो कुछ शेप्स नहीं आ रही है, मतलब उसका कुछ रीज़न ज़रूर होगा, बिकॉज वो या तो वो लाइन ब्रेकड है, मतलब कि जो वर्टेक्स हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा आप वर्टेक्स में आओ, यहाँ चेक करो कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये कहीं ना कहीं ओवरलैप्ड है या फिर कहीं पे। अब देखें तो इन सब के अंदर इसको पता करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप अपनी एक स्प्लाइन चेक करो। इस स्प्लाइन के अंदर अगर हम चेक कर रहे हैं तो देखो एक ही येलो मार्क दिख रहा है, इसमें देखें तो इसमें भी हमारे को एक ही येलो मार्क दिख रहा है, इसमें देखें तो इसमें भी एक येलो। तो मतलब ऑलमोस्ट हर एक स्प्लाइन में एक ही पॉइंट दिख रहा है। लेकिन यहाँ आर में देखें तो आर में हमारे पास जो एक डिफॉल्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमने पॉइंट क्रिएट किया है इन पॉइंट्स के ऊपर कोई ना कोई ऐसी डिस्टर्बेंस है कि जो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन नहीं होने दे रही है। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एक्सट्रूड और यहाँ से वर्टेक्स मोड चेक करता हूँ और इसको ऑन कर लेता हूँ, तो बस मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखना है कि भाई आपके पास ये वर्टेक्स कहाँ क्या दिक्कत कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये करो कि सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करो उस आर के, क्योंकि तो अगर बाई चांस कोई ब्रेक ऑब्जेक्ट होगा तो वो ना हो। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट में आओ और यहाँ पे आएगा वेल्ड, तो इसको वेल्ड क्लिक करो जिससे कोई भी वर्टेक्स ब्रेक ना हो, सबसे पहली बात। उसके बाद ये जो शेप्स हैं यहाँ पे देखो तो एक लाइन क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्रेकड ऑब्जेक्ट है। तो देखो मैंने हल्का सा इसको मूव किया और उसका कर्व, बिकॉज वो टेंजेंट ओवरलैप था। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी मतलब ट्रिकी है, अगर आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में आप ये इन वर्टेक्स को हल्का सा जहाँ पे भी आपको लग रहा है वो लाइन प्रॉब्लम कर रही है उसको आप मूव करके, बिकॉज ये हम प्री डिफाइंड शेप्स ले रहे हैं और टेक्स्ट फॉन्ट है कि कई बार कर्व बिल्कुल अच्छे से नहीं होता या क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और उसको उसी तरीके से एडिट करके रेडी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ, तो जितना मेरे को चाहिए मैं लोगो उसी तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ कि लाइक मेरे को इस तरीके से लोगो कहीं पे लगाना है या यहाँ पे मेरे को एंगल से चाहिए, जिस भी एंगल से मेरे को वो अच्छा लग रहा है आप उसको उसी फॉर्मेट में लेके और उसको रेंडर करेंगे, और रेंडर करने के बाद ये लोगो एज PNG आप सेव कर सकते हैं। और PNG आप लेके जाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट पीछे आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही आएगा। इसको ऑन करके आप देख सकते हैं अल्फा चैनल, यहाँ से सिर्फ वो वाइट ही पार्ट आएगा, ब्लैक वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट एरिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बेस्ड लोगो बना सकते हो कि अगर आपको कोई फॉन्ट अच्छा लग रहा है और उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग ही आपका टेक्स्ट अच्छे से आ रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप एक्सट्रूड की जगह बेवल भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज बेवल में आपको वही थिकनेस दो बार मिलेगी। तो आप जैसे इस तरीके से हम एक्सट्रूड करते हैं और यहाँ से लेवल टू थोड़ा सा और आगे करते हैं, हल्का सा कम करते हैं तो ब्लेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इतना हो कि वो पॉइंट्स ऊपर एक दूसरे के अंदर ओवरलैप ना हो, वरना वो दिक्कत करेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ से देखें और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्केल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा करते हैं, तो देखो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको इतना ही देना है जितना उसके अंदर वो इशू ना करे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये कितना पॉइंट करने के लिए दे रहा है। तो आप यहाँ से चेंज करते जाओगे तो आपको अलग अलग स्टाइल मिलते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये फॉन्ट बेस्ड है, अगर आपको लगता है कि फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है आप फॉन्ट चेंज करो और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ एडजस्ट करके उसको रेंडर करके यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो लिया। अब सपोज मुझे यही टेक्स्ट शेप्स अगर खुद की चाहिए, मतलब कि कोई मैंने डिज़ाइन किया हुआ है जो इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रॉ में अपने लोगो को, और उसको मुझे यहाँ यूज़ करना है फॉर एनिमेशन या उसको रेंडरिंग के पर्पज़ से, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके कुछ लोगोज़ ऐसे सैम्पल लोगोज़ लिए, उन लोगोज़ को अगर हम देखें, जैसे सपोज़ ये एक विज़न आई करके मैंने कंपनी डिफाइन की जो हमारा सनग्लासेस का वर्क करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे एज अ लोगो वहाँ पे लेके यूज़ करना है एनिमेट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और फोटोशॉप में आप इसे ओपन करो, ये कैनवास क्रिएट करो। सपोज़ मैंने इसको बोला 800x800 और रिजोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा रखेंगे, बिकॉज रिजोल्यूशन मतलब आप इसमें ग्रे स्केल भी आप रख सकते हैं, रिजोल्यूशन अच्छा ही रखिए क्योंकि हमें एजेस चाहिए होंगे उसकी टेस्ट करता है।
कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो एजेस हमारे को देखते हैं थोड़ी जिटरिंग आ रही है। तो अब इस जिटरिंग को हम बिकॉज रिमूव क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे तो वेक्टर ले रखा है, यहाँ पे वो रास्टर बन गया जिसकी वजह से एजेस जिटरिंग आ रही है। तो अगर आप फोटोशॉप में बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इन द एंड आप फोटोशॉप से ही अपने मैक्स के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए या तो हम इसके अंदर ही बनाएं या फिर आप इसको ही सेव कर लो, मतलब कि इसको हमने एक एक्सपोर्ट किया और इसको मैं बोलता हूँ कि मेरे को डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज PNG। तो मैं यहाँ से PNG लेता हूँ और इसको बोलता हूँ कि लोगो स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट, और इसको एज PNG सेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए और मुझे वहाँ पर इसको शेप क्रिएट करनी है। तो मैं सारी शेप्स एक साथ ही ले जाता हूँ क्योंकि फिर मुझे बार बार सबके लिए नहीं करना पड़ेगा, और इसको नो कर देता हूँ। अब मैं देखूँ तो मेरे पास एक ये शेप क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम एक नए डॉक्यूमेंट में ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास वो शेप आ रही है, उस शेप को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करके देखते हैं। तो देखो बिल्कुल क्लियर शार्प एजेज आ रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखो कितना क्लियर हमारे पास वो एक PNG क्रिएट हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको 3D के लिए हमें तैयार करना है, तो कंट्रोल प्रेस करो, अपने इस थंबनेल पे क्लिक करो जिससे वो एजेस सारी सिलेक्ट कर ले अपने जो भी फॉर्मेट है, और हम क्या करते हैं टाइप में जाते हैं, सॉरी सिलेक्शन में, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि इसमें पाथ है, मतलब हमारे को इसको मॉडिफाई करना है एक पाथ पेज। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि विंडोज़ ओपन करो और यहाँ से पाथ्स क्लिक करो। पाथ्स क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास पाथ का पैलेट आ गया। अब इस पैलेट में इस बटन को क्लिक करते हैं, कन्वर्ट सिलेक्शन टू पाथ। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो एक पाथ क्रिएट हो गया, मतलब ये एक एज क्रिएट हो गई। लेकिन यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है क्योंकि ये हो सकता है कि उसके एजेस में रीड नहीं हो। तो आप अगर इसको अभी मॉडिफाई कर ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो आपने यहाँ से पेन टूल लिया और पेन टूल लेके आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अभी के लिए ले लेता हूँ। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको उसी तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। जैसे अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैंने जैसे पेन टूल ले रखा है और प्लस ए, जैसे हम उसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि इस पॉइंट को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे को पॉइंट थोड़ा चेंज करना है, तो ऑलमोस्ट ठीक है अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा कर बाहर जा रहा है तो इसको भी एडजस्ट करना है। ये राउंड नहीं है तो आप इसको थोड़ा और पहले से ही ठीक करके ही चलते हैं, जिससे वो वहाँ जाके प्रॉब्लम ना। आप अगर शेप मतलब टेक्स्ट वाला पार्ट अगर उसी के अंदर बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी के लिए तो मैं इसी के लिए ठीक है। अभी ऑलमोस्ट मेरा टेक्स्ट भी मैंने ठीक कर लिया। अगर आपको लगता है कि शेप में भी कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा, बिकॉज वो अपनी तरफ से तो वो सारी एजेस देगा क्लियरली। बट थोड़ा सा होता है कि सिलेक्शन हमने बनाया है तो वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अभी मेरे को एग्जाम्पल के लिए ओके है। नाउ गो टू फाइल से एक्सपोर्ट एंड क्लिक ऑन पाथ टू इलस्ट्रेटर, और ओके करके हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं कि लाइक दिस इज माय रीजन आए, और यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर ही रखते हैं और सेव कर देते हैं। नाउ ऑलमोस्ट मेरा पाथ इज रेडी हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इसको सीधा ड्रैग करेंगे अपने मैक्स के अंदर। तो जब हम यहाँ पे लेके आएंगे वो इस तरीके से मूव करेगा, तो वो ऑब्वियसली हमारा टॉप व्यू से हमारे को विजिबल हो रहा है। तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ और शेप देखता हूँ पर्सपेक्टिव में कि वो मेरी शेप बिल्कुल रेडी है। बस सेम आपकी शेप देखिए आ गई यहाँ पे, और इन शेप्स को आप फिर नॉर्मली अपने वही लेवल, और यहाँ पे देखिए ये क्रॉस हो रहा है और ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये शेप अभी अलग अलग है, मतलब कि ये सब ग्रेड टू ऑब्जेक्ट आई। तो अब इसको हमें ठीक करने के लिए सपोज़ ये एक ही सरफेस है, अगर आपको सिंपल लाइंस डिज़ाइन करनी है तो आप इसको क्लिक करके और रेंडरेबल ऑन करके आप डायरेक्टली ले सकते हो कि इसकी आउटलाइन कम कर देते हैं और थिकनेस देखते हैं, तो हमारे पास वो शेप रेडी हो गई कि हाँ मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सॉलिड ज्योमेट्री करनी है तो आपको उन शेप्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये शेप हम चाहते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री इतनी हो तो हमें इतना एरिया इसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा,
तो इंटरसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि इन स्प्लाइंस को, जो हमने ये स्प्लाइन देख रहे हैं आउटर वाली, इन आउटर स्प्लाइन के साथ हम इन स्प्लाइन को भी आपस में अटैच कर देते हैं। तो अटैच करने के लिए आपके पास वही एडिट ज्योमेट्री में हम आते हैं और यहाँ पे आएगा अटैच, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस। तो अब ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। अगर हम चाहते हैं सारे एक साथ ही हों तो मैं सबको एक साथ ही कर लेता हूँ अटैच, और क्लिक करता जाता हूँ। अब एक एक क्लिक कर रहा हूँ, इसकी जगह आप चाहते हैं एक साथ हो तो अटैच मल्टी, अटैच मल्टी क्लिक करते ही सारी शेप्स आ जाएंगी। जितनी रेस्ट बची हुई हैं, चार बची हुई हैं, तो चारों दिख रही हैं हमारे को, 1 2 3 4, अटैच क्लिक, तो सब अटैच हो गए। अब हम देते हैं बेवल और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ से 0.5 की जगह हम इसको 0.2 ही कर देते हैं, बिकॉज ये ग्रिड से बहुत छोटा है, इस वजह से थोड़ी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लगती है उसको, तो आप स्केल कर सकते हैं। फिर हम लेवल 2 थोड़ा सा और ऊपर करना है, इसे बोला 0.1, इसको बोला 0.,, माइनस में लेते हैं 0.02, इससे उसका हम करते हैं। आप चाहो तो इसे स्केल कर सकते हो, और स्केल करने के बाद वो देखिए 3D लोगो आपका। अब इसको सपोज ये पर्सपेक्टिव में बिल्कुल टॉप से देख रहे हैं तो दिख रहा है, क्योंकि वो लेटा हुआ है, तो आप इसको रोटेट करो ई ए, और ये सब्जेक्ट हमारा। अब जैसे ये हमारा एक लोगो हमने डिजाइन कर लिया, ऐसे ही आप रेस्ट ऑफ सारे लोगोस लेके अपने अपने जितनी कंपनीज के आप बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके आप लोगो आपको एनिमेट करना है और मतलब उनको क्रिएट करना है अपने मैक्स के अंदर। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि उसको एनिमेट कैसे करते हैं और ज्योमेट्री कैसे करते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा कि हम ज्योमेट्रीज को सिर्फ क्रिएट करना होगा। और इस तरीके से हमारा लोगो आ गया। अगर आप चाहते हो कि इस लोगो को हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप जाके स्प्लाइंस में उन स्प्लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से शो रिजल्ट टॉगल ऑन कर लो और शेप्स को आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको बाद में, मेरे को लगता है कि मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से एंगल से रोटेट कर सकते हो। और शिफ्ट क्यू विंडो, वो जो है हमारे इस तरीके से विजिबल हो रही है। आप चाहते हैं कि सपोज मुझे इसे एनिमेट करना है, तो हम एनिमेट भी इजीली कर लेंगे इसको, वो बाद की बात है, बट अभी हमें एनिमेशन नहीं करना है, हमारे को सिर्फ मॉडल्स बनाना है। और आपको जितना थिक करना है उतना आप स्केल करके इसको डिफाइन कर सकते हो, सपोज आप ऐसा चाहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि लोगो हमें यहाँ पे लेके आना है और इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो सेम प्रोसेस से आप अपने सारे लोगोज को डिज़ाइन करोगे और उनको एनिमेट करने के लिए रेडी रखोगे कि हाँ हम इसे एनिमेट करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो आप अपने सबमिशंस इसी तरीके के देना कि आपको लोगो अपने इम्पोर्ट करने, क्रिएट करने आ गए 3D में इजीली। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये जैसे जो प्रोसेस हमने ये किया है, हम इससे और भी कुछ चीज़ें, जैसे सपोज आपको इंटरेस्ट है कि कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने के लिए जो आप मैक्स में ही बना के डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी मैक्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। ये तो अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हमारे को ये सारे लोगोज जो हैं, ये लोगोज को किस तरीके से वहाँ पे लेके आना है, और उन लोगोज को आप अलग अलग इंडिविजुअली शेप्स PNG लेके आप इजीली क्रॉप करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो शेप्स हम यहाँ क्रिएट करते हैं उनके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हम चाहते हैं, सपोज अगर मैं एक ऐसी ग्रिड चाहता हूँ कि मेरे को एक मॉन्यूमेंट वॉल डिज़ाइन करनी है, तो मैंने एक सिंपल वॉल की एक जाली टाइप की डिज़ाइन करेगी, मेरे पास ये एक एरिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ पिलर्स बनाऊँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा ऊपर एलिमेंट बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं पिलर्स बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेथ कमांड। लेथ बेसिकली क्या होता है कि लेथ एक तरीके का रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है, कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को आप लेथ के थ्रू चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप फ्रंट और साइड मतलब लेफ्ट व्यू का ही ज़्यादा यूज़ करें, इन दोनों का अभी नहीं यूज़ करें, बिकॉज फ्रंट और साइड आपके लिए न्यू कमर के लिए ज़्यादा ईजी रहता है समझना। तो मैं अगर एक सपोज बॉटल या कोई शेप बनाना चाहता हूँ कि मैंने एक इस तरीके की बॉटल, परफ्यूम बॉटल मुझे बनानी है, तो मैंने एक रेक्टेंगल मतलब मैंने माना कि ये एक बॉटल का ऊपर का कैप है, क्योंकि ये रिवॉल्व होने वाला है चारों तरफ, तो मैंने एक बॉटल के लिए साइड प्रोफाइल डिज़ाइन की। अगर आप चाहते हो कि शेप आपकी गलत बन रही है, आप बैक स्पेस की यूज़ करके पीछे जा सकते हैं कि अगर मुझे सपोज नहीं, मेरे को परफ्यूम की बॉटल तो थिक नहीं चाहिए, पतली चाहिए, तो मैंने यहाँ शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा नीचे किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा क्योंकि मेरे को उसकी जो एजेस हैं वो स्ट्रेट चाहिए, और मैंने एक प्रोफाइल डिज़ाइन कर दी। ये एक मेरी प्रोफाइल है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ अभी के लिए,
और ये मेरी एक प्रोफाइल डिज़ाइन हुई फ्रंट से। यही चीज़ आप साइड से भी कर सकते हैं, बिकॉज रिवॉल्व ऑब्जेक्ट को आप चाहे फ्रंट से देखें चाहे साइड से देखें, दोनों में एक ही दिखेगा। अब हमारे पास जो ये चीज़ शेप बनी है, मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो वही आपके पास सेम प्रोसेस, फिलेट वन प्रेस किया, वर्टेक्स सेलेक्ट किया हमने, यहाँ नीचे हम आते हैं एडिट ज्योमेट्री के अंदर। इस ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फिलेट, तो यहाँ से फिलेट क्लिक किया और मूव किया माउस, तो देखो वो एक ड्रॉ ऑब्जेक्ट हमारे पास डिजाइन हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारी एक साइड प्रोफाइल डिज़ाइन हो गई है, अब मैं इसको एक ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे लेथ। लेथ क्लिक करने के बाद आपके पास वो शेप इस तरीके से डिज़ाइन हुई, वो क्योंकि आपके पास अगर मैं इसको ऑफ करके देखूँ तो इसकी एवरेज सेंटर वो लेके चलता है कि उसका सेंटर यहाँ मान रहा है, क्योंकि इसका स्टार्ट यहाँ है एंड यहाँ है, तो इसका सेंटर उसने ये ले लिया। तो सबसे पहला जो काम करना है वो हमारे को उसको करना है मिनिमम। मिनिमम क्लिक करते ही वो उसको जो सेंटर है वो स्टार्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगा, उसका मिनिमम वाले पार्ट पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो क्लियर। अब ये बॉटल जो दिख रही है वो हमें ब्लैक दिख रही है, बॉटल तो बन गई लेकिन वो ब्लैक दिख रही है, कुछ यहाँ पे जिटरिंग दिख रही है, यहाँ पे जिटरिंग दिख रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि F4 करके देखें तो ये इतने सारे सेगमेंट क्रिएट हो गए, यहाँ पे बहुत सारे वर्टेक्स इकट्ठे हुए हैं जो वर्टेक्स आपस में ज्वाइंट नहीं है, जिसकी वजह से ये लाइन्स क्रिएट हो रही है। तो उस केस के लिए हमें सबसे पहले इसको करना है वेल्ड कोर। वेल्ड कोर क्लिक करते ही देखो वो पॉइंट्स गायब हो गए, वो लाइट ही गायब हो गए, बिकॉज हमने उन वर्टेक्स को आपस में वेल्ड कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि हर एक पॉलीगन्स का मैक्स के अंदर दो तरीके के सरफेसेस होते हैं। उन सरफेसेस के अंदर एक सरफेस जो हमें विजिबल होता है कैमरे के अंदर, और एक सरफेस जो उसका बैक साइड होता है। जैसे अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो स्किन ऊपर से हमारी ब्राउन होती है, लेकिन अगर हम इसको पील ऑफ करें तो अंदर कुछ और निकलता है। जैसे हमारा ऑरेंज के अंदर होता है कि बाहर ऑरेंज होता है, लेकिन जब हम पील ऑफ करते हैं उसको तो उसके अंदर वाइट कलर का निकलता है। तो सेम वही नॉर्मल्स हैं कि इसके नॉर्मल जो हैं, जो इसका एक तरीके से अगर हम ऑरेंज से कंपेयर करें तो ये बाहर वाला एरिया पीला वाला पार्ट दिख रहा है, ऑरेंज जो है वो अंदर है, क्योंकि नॉर्मल्स जो है उसके उल्टे हो गए हैं जब हमने उसे रोटेट किया। तो आप यहाँ से इसे फ्लिप नॉर्मल्स करो। फ्लिप नॉर्मल्स क्लिक करते ही जो ऑरेंज कलर है वो बाहर आ गया, मतलब नॉर्मल्स फ्लिप हो गए और हमारी बॉटल बिल्कुल क्लियरली दिखने लग गई क्या शेप है। इसको बनाने के बाद अब हम जाते हैं इस शेप को मॉडिफाई करना, तो वही वर्टेक्स मोड पर क्लिक किया, यहाँ से शो रिजल्ट टॉगल ऑन किया, और इसके बाद हम अपने वर्टेक्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि लाइक मेरे को कैप ज़्यादा बड़ी चाहिए कम चाहिए, तो देखो फ्लास्क बना सकते हो, कैन बना सकते हो, वट एवर जो भी आप, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं इन्हीं को मॉडिफाई करने के लिए। तो आप कम चाहते हो, आप चाहते हो कि इसमें गैप कम हो, तो आप उतने ही वर्टेक्स सेलेक्ट करके उनके पास में कर सकते हो, और हमारी एक तरीके की कैन और परफ्यूम बॉटल रेडी हो गई। ये हुआ हमारे पास कि लेथ से हमने सिंपली एक रिवॉल्व ऑब्जेक्ट चारों तरफ जो सेम दिख रही है हमने वो चीज़ क्रिएट की। अगर हम चाहते हैं कि यही चीज़ कि इसकी एक पैकेजिंग बॉक्स भी हो, तो मैंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन किया, और बॉक्स मेरा ऊपर तक दिखे तो मैं इसकी हाइट को इसको कवर अप कर लेता हूँ कि लाइक ये बॉक्स का लेबल होगा। F3 करके आप देख सकते हैं कि वो कवर कितना गैप दे रहा है उसके अंदर, तो वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा हाइट में ले सकते हैं। इतना होने के बाद आप इसको मूव करके अलग रख दें और आपकी ज्योमेट्री के लिए दो चीज़ें हमारी रेडी हो गई। ये हमारा उसके पैकेजिंग हो गया और ये उसकी बॉटल हो गई। तो ये एक तरीके से हमारा हो गया। अगर हम चाहते हैं यहाँ लोगो कुछ हमारे को प्रेजेंट करना है या कुछ डिज़ाइन करना है, तो उसी तरीके से आपके पास वही जो हमने लोगो बनाए थे, आप उसको एज अ 3D यहाँ पे लेके आ सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो अगर हम सपोज उसको डिफाइन करना चाहते हैं अपनी ज्योमेट्री के साथ में, तो वो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है कि जैसे हमने यहाँ से शेप लिया और शेप से ही हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज मैं लाइन से कुछ लिखना चाहता हूँ इसके ऊपर बॉटल के पास में, तो मैंने यहाँ से सिंपली लिखा कि इस तरीके से क्योंकि मैं इसको वो नहीं करना चाहता, ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं कुछ और बनाना चाहता, मैं कुछ शेप इस तरीके से। हाँ लोगों का कुछ भी स्टाइल हो सकता है, सपोज ये एक हमारा स्टाइल है लोगों के लिए, और मैं इसको रेंडरेबल ऑन कर देता हूँ।
कैसे इंक्रीज करता है, तो इस तरीके से आप ये मैं बॉडी के आगे ले आता हूँ, इसको सही से एडजस्ट करने के लिए आप फ्रंट या साइड का यूज़ कीजिए, उससे हमारे को पता रहेगा कुछ कितना है ये बाहर जा रहा है, तो उसको मूव करते हैं ब्लू बॉक्स के अंदर। आप चाहते हैं कि ये एजेस थोड़ी सी हार्ड आ रही है, तो मैं इसको इंटरपोलेशन ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तो मैं हमारे को बहुत ठीक लग रहा है, और इसको मैं अभी के लिए एक ग्रे कलर दे देता हूँ और ये ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। यहाँ हम कुछ लिखना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं, तो लाइक मैंने यहाँ से लिख दिया परफ्यूम, और फ्रंट पे मैं उसको प्लेस करता हूँ, उससे वो उसी जगह है। तो देखो आप थ्री करके आप उसको मूव कर सकते हैं, और उसके अंदर थिकनेस नहीं है, तो हम यहाँ से एक्सट्रूड क्लिक करते हैं, देखो तो एक्सट्रूड इधर जा रहा है, तो थोड़ा सा स्क्रीन पे से मूव करो, सेम कलर है, इसकी वजह से वो भी हो सकता है कि हमारे को विजिबल नहीं हो रहा, और मैं उसको वाइट ले लेता हूँ। अभी वो पीछे की तरफ है, तो मैं उसको रोटेट कर लेता हूँ एग्जैक्ट 180 डिग्री, और थोड़ा सा एक्सट्रूड कर सकते, ज़्यादा अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास एक इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर लिया। आप चाहो तो यही वाली चीज़ अगर हम चाहते हैं कि इसके बॉटल के ऊपर भी दिखे, तो किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जो कर्व ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी अच्छा है कि हम एक मॉडिफायर और सीख ले लें। तो मैंने इसे कॉपी किया, और इसको मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये बाइंड हो जाए, मतलब ये एक तरीके का कर्व हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर बैंड। तो यहाँ से मॉडिफायर क्लिक किया और बोला बैंड, बैंड क्लिक करते ही देखो वही जैसा सिमेट्री में था वैसे ही एक और गिज़्मो हमारे पास आ गया। पहले एक बार बैंड मूव करके देखो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से एक्स प्रेस करके देखो, यस कुछ वर्किंग हो रही है, देखो वो रोटेट होना शुरू हुआ, और यहाँ से हम उसको जितना हमारे को वो लगता है कि वो अच्छे से फिट बैठ रहा है, वहाँ पर हम उसको छोड़ देते हैं। इसके बहुत प्रोसेस हैं, लेकिन मैं अभी बहुत सिंपल वे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें इतनी डिटेल में कुछ करना नहीं है। हमारे को मेन अपनी एडवर्टाइजिंग में लोगोज, पोस्टर्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं जैसे वो, और मैं उतना ही आपको मैक्स बता रहा हूँ जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो आप प्लीज़ जो स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको कैरेक्टर और इन सब में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके लिए क्लासेस डिज़ाइन करूँगा, बट ये एक प्रॉपरली ये है कि आप एडवर्टाइजिंग को कैसे हेल्प रहेगा मैक्स, वो उसी पे फोकस रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये रख लिया। आप चाहते हो परफ्यूम को भी एडजस्ट करना है, तो आप परफ्यूम को भी यहाँ पे ला सकते हो इसी तरीके से, और मैं इसको एक ब्लैक कलर भी देता और मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अब मुझे पता है कि वो कितना बैंड हुआ है, तो मैं उसको वहीं रखता हूँ और इसका बैंड ड्रैग करता हूँ, और इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंड कर रहा है वो, तो मैं उसको कम कर लेता हूँ, बिकॉज उसका कर्व और इसका कर्व अलग अलग है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अप्लाई नया ही अप्लाई करें, बिकॉज सेम शेप होती है तो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अब देखो यहाँ मैं रोटेट करा, नहीं हो रहा एक्स में, वाई में नहीं, देखो किसी में भी नहीं हो रहा, ये बहुत हो रहा है, कई बार नहीं होता। तो मैं मतलब बैंड को आप अगर थोड़ा और अच्छे से डिटेल में करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोज़ हैं, आप उसको सिर्फ बैंड मॉडिफायर के ऊपर ही मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको प्लीज़ देखें और देखें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं इससे। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे वो विजिबल हो गया, और ये मेरी बॉटल रेडी हो गई। शिफ्ट क्यू करके देखते हैं, तो ये ज्योमेट्री हमारी रेडी हो गई है, हमने बैंड भी देख लिया, हमने अपने ज्योमेट्री में लेट कमांड यूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में ये करना है कि अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है, जितना ज़्यादा आप इन्हीं बेसिक चीज़ों से क्रिएट करोगे, और अपने लोगो को एटलीस्ट 3D में कन्वर्ट करके रेडी करना है, बिकॉज़ हम मैक्स के अंदर भी लाइटिंग रेंडरिंग करेंगे, बट हम उसको फोटोशॉप के लिए रेडी कर रहे हैं कि फ़ोटोशॉप में हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि फोटोशॉप में भी वो चीज़ करना चाहें तो आप फोटोशॉप में भी इन चीज़ों को डिफाइन आराम से कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा और इजी पार्ट रहेगा कि जैसे मैं एक इसको सीन को लेता हूँ, एक मैंने ये पार्ट लिया कि मेरे पास सपोज़ एक ऑब्जेक्ट तैयार हो। अब इसको मैं चाहता हूँ कि एज अ 3D लेयर मुझे यूज़ करना है, तो मैंने एक सपोज़ ग्रे कलर एक बैकग्राउंड ले लिया और मैं यहाँ से उसका जो कलर है यहाँ से थोड़ा तो सा इसको छोटा करके ब्रश लेता हूँ और एक नई लेयर ले लेता हूँ थोड़ा सा सॉलिड बना के। अभी मैं एक 2 मिनट सीरीज और बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को ये चीज़ और अच्छे से छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके और आप वो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसमें सिंपल आपको बस क्या करना है, पीछे एक बीजी अच्छा बनाया, एक कंट्रास्ट कलर लिया, 3D में गए और क्लिक किया न्यू 3D एक्सट्रूड फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो उसको 3D एक्सट्रूड करेगा और आपका लोगो ऑलमोस्ट रेडी। अब आप चाहो तो इसको एक्शन जो भी आपको डिफाइन करना है आप वो लें, और इतना लेने के बाद इसको मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा जब आप लोगो में बनाना है शुरू कर देंगे। और अब हम बाहर क्लिक करते हैं तो देखो आपका एक लोगो का विजन तैयार है। ओके तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है आप समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमारे को स्टार्ट करना है एडवर्टाइजिंग के लिए 3D को। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कुछ और एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे लाइटिंग के साथ, और थोड़ा सा एनिमेशन स्टार्ट करेंगे और पॉलीगन भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।